जहां नगर निगम सभी को बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बुरहानपुर के सुंदर नगर में बीपीएल परिवार इन सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। दरअसल बीपीएल परिवारों को लॉटरी सिस्टम के आधार पर फ्लैट तो दे दिए गए, लेकिन सुविधाएं कुछ भी नहीं दी गई, जिसकी वजह से यहां 118 में से केवल 5 परिवार ही निवास कर रहे हैं। जब इस मामले में नगर निगम आयुक्त से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि बिजली पानी और सड़क के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। इन परिवारों को 1 महीने में सारी सुविधाएं मुहैया करा दी जाएंगी। गरीब लोग हैं भैया, अब क्या करेंगे, हमारे कोई है ही नहीं, अब रहने को घर नहीं, कुछ नहीं, और क्या करें, पानी नहीं। अब आपको जो है इन मकानों, पक्के मकानों में तो रख दिया, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं मिली क्या आपको? कोई सुविधा नहीं मिली, रखे भी उन्होंने नहीं है, हम हमारे मर्जी से रह रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे घर में कोई रहने को घर नहीं है और कोई जमीन नहीं है। इसमें आप शौचालय को कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। अच्छा, क्यों बाहर जाते हो? क्योंकि पानी नहीं है यहाँ, शौचालय तो है पर पानी नहीं है। पहले मैंने दौरा किया था, मेरे संज्ञान में ही बात आई और तत्काल मैंने वहाँ पे सड़क, बिजली और पानी का एस्टीमेट बनाने और टेंडर, आपको बता दें सड़क का टेंडर भी हो चुका है, वर्क आर्डर देने के पहले ठेकेदार को सूचित किया गया कि आप आके एग्रीमेंट करें, सड़क का काम तत्काल शुरू हो जाएगा। MPV को खंभे के लिए भी चिट्ठी लिखी जा चुकी है और पाइपलाइन के लिए भी बोल दिया गया है। आने वाले 1 महीने में वहाँ की स्थिति बदली हुई दिखेगी।